उधर गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर की कार्रवाई के बाद अब उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी कार्रवाई तेज हो गई है और खबर है कि कॉम्प्लेक्स के पीछे के एक हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मोइन खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर, अब आगे बुलडोजर चलेगा एक हिस्से पर कार्रवाई। और ऐसे में गैंगरेप केस में जहां सियासी बयानात आ रहे हैं वहीं प्रशासनिक कार्रवाई भी आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे इनके द्वारा। अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। हम कानूनी प्रक्रिया के उपरांत उस परिसर को भी खाली कराएंगे इनके द्वारा। अगर ये नहीं खाली करते हैं तो उस पर डिमोलिशन की कार्रवाई की जाएगी। विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मोहित खान की जिस इमारत पर कार्रवाई होनी है उसमें एक बैंक है जिसके खाली करने के बाद इस इमारत के अवैध हिस्से पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। यहाँ पे भदरसा में ये ग्राम समाज की जमीन थी, मतलब तालाब की जमीन थी और उसी पे यह अवैध निर्माण पाया था, जिसको SDM सोहाल द्वारा जांच करके इसके संबंध में अपनी आख्या और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और आप देख भी रहे हैं बगल में जो तालाब बना हुआ है उसी के तहत जो है ये कार्रवाई की गई है ध्वस्तीकरण की। इस संबंध में अभी जांच की जा रही है और जैसे जैसे संपत्तियों को पता चलेगा उसमें जो भी अवैध होगी तो उसमें विधिक और उचित कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या गैंगरेप केस में आज सुबह योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की बेकरी पर बुलडोजर चला दिया है और बताया गया कि ये बेकरी अवैध तरीके से बनाई गई थी। और इसके बाद आज सुबह से ही बेकरी के आसपास चल रही हलचल और ज्यादा बढ़ गई। प्रशासन के अधिकारी बुलडोजर लेकर के यहां पहुंचे और इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी और इसके बाद अवैध बेकरी को खाली करवाया गया और फिर बुलडोजर की मदद से बेकरी को गिरा दिया गया। आरोपी की अवैध बेकरी की इमारत पर यह बुलडोजर चलता दिखाई दे रहा है। गैंगरेप केस में इस तरह से भी कार्रवाई आगे बढ़ रही है।